आ जाते हैं। साहब हमारे दादाजी बीमार हैं। क्या काम है? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अभी मंत्री सो रहे हैं, हम ही मंत्री हैं, अभी नहीं मिल सकती। चल भाई वैक्सीन लगवाने थी साहब। काय की वैक्सीन? का है जा चुका है। अरे मैं का डॉक्टर हूँ महाराज, कछु समझ लो चाहे डांट रही समझ लो, हमने जानी डांट रही क्या खुद का झक मरा ये दाए से बहुत दर्द से सो जा से कहा है बा जंगाले वो बाप है वो सोवे लगो मैं मुंडा शॉट नहीं करे वोट ले गए आगे जब ने गई ले कर हम मुंडा खूपड़ा बोल गरम कर रहा है गाड़ियों को लेके नहीं चल हट इधर सट जाओ थे सब अरे सुबह से मूड पका रहा है। कौन है साहब आपके पिए? अरे बोले क्या 9 बजे साहब आप है तो बस सुबह की पड़ी रहता ही। अरे यार मंत्री बने के और का करने यार छान लग दो बनी फिर रही दो तीन ब्याजे भिखारी कभी वैक्सीन लगवाने कछु बोला हमें गैस सिलेंडर दवाओ लात मार के नहीं भगा दिया साला तो मेरे बहुत रखे तो 2-3 लात रहे हो भगा दा बन गए। वाह वाह यार बहुत बढ़िया अली अपने का लेना है हमने बूट ले लो यार साले मूड में पका रहे पहले रिश्तेदार नहीं तो हो जान दो वैक्सीन। हां सही कह अपने सगे संबंधी हो जाओ फिर देखें बेकार ये गरीब जनता है ऐसे ही मरन दो मरन दो। चलो अपने इसमें कमी नहीं होना चाहिए। हां सही है चलो अब घूम में चलो चलो मंत्री का कह रहे थे भेजा कह रहे थे कि गरीबा ने कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है बेटा देख ले अपन बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है वे तो जा बोल रहे थे गरीबा ने नन्या पाए रिश्तेदार नहीं है तो हो जाए पहले। ठीक है अपन देख ले अपन बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है मीडिया वाले हैं बुलाए अपन। हाँ बुला लेना भी ऐसी ऐसी कह रहे थे। ठीक है अपन देख ले मंत्री देख लियो आपसे कुछ सवाल करने थे। इसमें दूर है रे कोरोना चल रहा हम मास्क नहीं लगाए हैं मीडिया बाबा नो फिर रहा जो पता नहीं है 2 गज दूरी मास्क से जरूरी रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही लेकिन नहीं तो खुर्सी नहीं आते ना चल बैठ चल ले कि आपसे कुछ सवाल करने थे। क्या सवाल करने भैया बता रिकॉर्डिंग चल रही है हीरो लाइव चल लो बस सीटिंग में लगाए आप अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक वाह बता किस तरफ से हो हम पता नहीं है तुम्हें अबे पता होगा तो क्यों पूछते हैं ऐसे रिपोर्टर हैं बता हम हैं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री स्वास्थ्य कल्याण विभाग से और डॉक्टर फाक्टर कलेक्टर लैलेक्टर अपने अंदर में फोन कर रहे हो जो तुम्हें पता नहीं है बता एक फोन पर इतने होते हो जा हाँ और बता बोलो जो कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं आपने उस पे काबू करने का कुछ सोचा? पगलाई है यार तो जो पता नहीं है का कर दो हमने बाजार हमने बंद करवा दे दुकान है हमने बंद करवा दे नेक नेक काम चला रहे थे आदमी पेट्रोल पंप बंद करवा दे लेकिन ब्लैक में पूरे बिचवा रहे अपना काम बनना चाहिए यार मरन तो जनता मंत्री जी हाँ जो मजदूर लोग हैं क्या उनके लिए कुछ सहायता की जा रही है आपकी सरकार द्वारा? अरे यार हमें खान का जनता 5 किलो गेहूँ कर दी हमने
राशन फ्री कर दो, चावल दे रहे, नमक की पुड़िया दे रहे, और हमें खाना का देगा? मंत्री साहब क्या 5 किलो में बंद मंथ यानी 1 महीने में काट सकते हैं बेरोजगार आदमी? कह रहे थे चटको है, 10-10 क्विंटल दे रहे ए, हम अपनों ही पेट तो भर लें पहले, फिर दूसरे लोग भर। 5 किलो में चला है काम, रजिस्ट्री करा दूं पहले वाट की। बोराई के नहीं रिकॉर्डिंग मुकॉर्डिंग। दिन में की क्या है तो फर्रा वार का 100 रुपया प्राण लेने। मुन्ना मुन्ना दो आए फर्रा का। 100 रुपया का प्राण लेने। दिन में की क्या है तो फर्रा में। बात है अभी और सवाल है। बता। जो आपको पैसे मिलते हैं शासन द्वारा महीना के, हाँ महीना के, जो आप यानी मजदूर लोगों को कोई सहायता करते हैं उनमें से? तेरे सभी रहे चटको आ गया होगा, जो हमारे का खर्चा नहीं है, शाम से 10 आ जाते उन्हें पियाने पर, पहले हमारे पेट तो भर जाए उनसे, फिर हम तुम्हारा भर है। होटल को खर्चा, दारू को खर्चा, बार को खर्चा, अगैरा बगैरा, अब बामे से तुम्हें का कर दूं? हैं? और फिर तुम्हें चाटने मीडिया वाले चाटने का करूं? तो भैया मुंह पेट भर लेना जनता है, फिर देखें जब चुनाव आए। और कछु? हाँ अभी और सवाल है। नेताजी साहब हमने सुना है जो वैक्सीन की मारामारी चल रही है, आपने कुछ उसमें व्यवस्था की है? और हमने सुना है कि आप अपने रिश्तेदारों को ही लगवा रहे हैं। वास्तव में चटको है, से आ जाता रहे दिमाग खराब। सॉरी सॉरी सॉरी, जनता मोह खान गत का मंत्री बना दो, का कर दो, ये तो 100 वोट दे दो, अब वैक्सीन लगवाओ, 5 किलो गेहूं दो, जो दो बो दो। अरे पहले वोटर ने खो तो करवा लेंगे, जो भी व्यवस्था करें भाई तो पहले करवा दे, रिश्तेदार ने पट जाए, अपन तो लगवा दो, टेंशन ले, एक फोन पे तो हो जाते हैं, गरीबन है मरण दो अब। हाँ तो दोस्तों जय सिया राम, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। हम आपके बलवीर राजपूत और जो हमारी पूरी टीम, तो हमने अब बतावे की कोशिश करी है, जहाँ राजनीतिक ना लें, अन्यथा में ना लें, और हकीकत लगे तो शेयर करें। हमने कोरोना काल में थोड़े गरीब की व्यथा बतावे की कोशिश करी है, और अच्छा लगो तो कमेंट करें और बताएं हमें क्या कमी रह गई, तो आगे हम सुधार हैं। जय सियाराम, सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ आप कह दो, जय सियाराम, जय बुंदेलखंड।